दोस्तों, अगर आप लोग मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी आपके सामने एक प्रॉब्लम आई होगी कि अपन मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन उसके बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक रिकॉर्ड होती है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। ये क्यों होता है? इसकी तीन सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से पहले तीन वजह बताऊंगा, उसके बाद इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहली जो वजह होती है वो अपनी होती है मोबाइल का जो अपना डेवलपर ऑप्शन होता है वो इनेबल नहीं होता है। उसको इनेबल कैसे करते हैं उसकी दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए। दोस्तों, सबसे पहले अपन को डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। दोस्तों, सभी के मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है लेकिन सभी के मोबाइल में सेम होती है, बस ऑप्शन आगे पीछे होते हैं। सबसे पहले ऑन करने के लिए डेवलपर ऑप्शन को अपन को करना क्या होगा, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों आपको ध्यान नीचे आना है। आप जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम, इसमें आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ देखेंगे आप मेरे मोबाइल में ये डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा है। ये पहले नहीं होता था, ये आने लगा है। अब इसको ऑन करने के लिए आपको करना क्या दोस्तों, आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग पर क्लिक करना है। ये मेरा वन प्लस का मोबाइल है, आपका कोई भी हो, आपको करना क्या दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है अबाउट का, अबाउट फोन का, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए मेरा वन प्लस का सिक्स का मोबाइल है, वन प्लस सिक्स मोबाइल है। अब दोस्तों आपको अबाउट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखना होगा आपके मोबाइल में, बिल्ड नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा। जैसे मेरे मोबाइल में ऑप्शन दिख रहा है बिल्ड नंबर का, इस पर आपको दोस्तों 7 बार क्लिक करना है। जल्दी 7 बार फास्ट फास्ट क्लिक कीजिएगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो उसमें लिखा गया नो नीड टू ऑलरेडी, देखो जिसमें लिखा है ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन मतलब ऑन है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, जहाँ भी आपके मोबाइल में अबाउट में बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे वहाँ पे 7 बार क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। पहली सेटिंग आपके लिए ये कर लेना है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि अपना जो फोन होता है वो रूटेड नहीं होता है। उस कारण से दोस्तों अपन जब मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तब वो अपनी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक रिकॉर्ड होती है। इसलिए दोस्तों अपना फोन रूटेड होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके बारे में आपके लिए बताऊंगा कि उसको कैसे ही कर सकते हैं। तो तीसरी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि अपने मोबाइल में अपन जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब जो भी अपन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इस कारण से अपने फोन की स्क्रीन ब्लैक ब्लैक रिकॉर्ड होती है दोस्तों। अब दोस्तों इस चीज को आप सॉर्ट आउट कैसे करना है? दोस्तों, अगर आपका फोन रूटेड नहीं है, अगर आप करवाना चाहें तो मार्केट से करवा सकते हैं, 100 या 150 रुपये लगेंगे। अगर नहीं है तो उसका एक और तरीका दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको आ जाना सेटिंग में। सेटिंग में आने का दोस्तों आपको आना नीचे, यहाँ पे आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होगा सिस्टम का, आप देख लीजिएगा आपके मोबाइल में कहाँ पर है। उसमें आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा सिस्टम अपडेट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, जो भी नया अपडेट आया होगा तो ये आपको बता देगा, मेरा मोबाइल ऑलरेडी अपडेटेड है तो ये अपडेट नहीं बता रहा। अपने मोबाइल में आप देख लीजिएगा कौन सा अपडेट आया है, पहले अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको 3 ऐसे एप्लीकेशन बता रहा हूँ जिनको यूज करके दोस्तों आप बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपका स्क्रीन कभी भी ब्लैक रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं तीनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी ना किसी एप्लीकेशन से आपका काम बन जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल को बंद करना है, चालू करना है, फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी प्रॉब्लम का समाधान हुआ हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों नीचे सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।